दोस्तों आज थोड़ा सा बात करेंगे सामान्य रूप से फिल्मों के बारे में। बॉलीवुड को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है और साउथ की फिल्मों का बोलबाला हो रहा है, इस बारे में थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक वीडियो बना के अवलोकन करते हैं। इसका संदर्भ रहेगा सरकारू वारी पाटा का गिरावट जो कलेक्शन में एकदम से आई है वो। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको सबको मालूम है 12 मई को रिलीज हुई थी सरकारू वारी पाटा, जिसका मतलब है सरकारी बोली गवर्नमेंट बिड। यह फिल्म एक बड़े संवेदनशील और एक कनेक्ट होने वाले पब्लिक के विषय पे थी, जिसमें बैंक वालों से लोन लेते हैं आम आदमी तो उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति और बड़े बड़े लोग जो करोड़ों का लोन लेते हैं उनको सेटलमेंट करके छोड़ दिया जाता है। बड़ा गंभीर और एक बहुत ही संवेदनशील और कनेक्ट करने वाला मुद्दा था, मगर इसको परशुराम जी ने, जिनकी गीता गोविंदम आज से 6-7 साल पहले आई थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी, थ्रूआउट कॉमेडी थी, उसमें थ्रिल था, ट्विस्ट था, टर्न थे, वो फिल्म रश्मिका मंदाना के करियर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, विजय देवरकोंडा के लिए एक बहुत बड़ा सफलता का आयाम थी। मगर इनका एक सपना था महेश बाबू के साथ फिल्म बनाने का 2003 से ही, और वो जाके अपूरा हुआ, लेकिन वो सपना जो हुआ वो अधूरा रह गया, क्योंकि ये कंटेंट तो परोस दिया इन्होंने मगर उसको सही तरह से पेश नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ ठीक बता रहे हैं, सेकंड ढीला है, और टॉपिक को उठाया जरूर इन्होंने मगर पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाए। सारा फोकस इन्होंने महेश बाबू पर रखा है, क्योंकि सुरेश पर भी कम ही फोकस रखा है। वैसे वो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है, अच्छी लगी है, सुंदर लगी है। ऐसा क्या हो गया जो साउथ के अंदर ये तेलुगु भाषा में रिलीज हुई फिल्म के शो 30% घट गए दूसरे दिन ही, कभी होता नहीं ऐसा, और इसके 70-80% का ड्रॉप आया है इसके कलेक्शन में। जो पहले दिन 75 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था इसने ऑल ओवर वर्ल्ड, वो अगले दिन केवल 25 करोड़ और तीसरे दिन 22 करोड़ आया संडे होने के बावजूद आज के दिन। तो इसका मतलब है कि दर्शकों ने इस फिल्म से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, रिव्यूअर्स के इसको क्रिटिक्स से कमेंट्स भी बहुत ही ख़राब मिल रहे हैं। एक संवेदनशील मुद्दे को गलत तरीके से पेश करना, उसका एक हास्यास्पद तरीके से उसका सॉल्यूशन दिखाना, दर्शकों को परशुराम जी बांध नहीं पाए गीता गोविंदम की तरह, और उनका ये डिजास्टर एफर्ट ही कहा जाएगा। महेश बाबू खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, इसलिए फिल्म का बजट तो 60 करोड़ है मगर वो 120 करोड़ होता, क्योंकि इनकी फ़ी थी 50-60 करोड़ एक फिल्म की। एक बार इन्होंने एक गलत सी टिप्पणी कर दी थी बॉलीवुड में, जब इनसे पूछा गया कि आप बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं करते जबकि सारे लोग प्रभास वगैरह, विक्रम वगैरह सब करते हैं, और जूनियर NTR और रामचरण तेजा जी करते हैं, तो इनका एक बड़ा अटपटा सा अजीब सा जवाब आया था जो मुझे एज ए फैन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मेरे को आज भी वो बुरा लगता है। इन्होंने वो रिकॉर्ड के हिसाब से स्टेटमेंट जो दिए वो ये थी कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, मतलब इन्होंने एक बद्दी सी स्टेटमेंट दी थी जो कि साउथ एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि अंदर ये नॉर्थ सिनेमा से और हिंदी सिनेमा से एक नफरत सी पाले हुए हैं। कुछ अफवाह जरूर हैं, जैसे यश है, रॉकिंग स्टार यश है, थालापति विजय है, थाला जीत है, रजनीकांत जी है, कमल हासन जी है, वो हमेशा हिंदी से जुड़े रहे हैं, हिंदी भाषा में उनकी पैन फिल्में आती रही हैं। मगर रजनीकांत जी से इन्होंने स्वैग तो लेना सीख लिया, मगर वो नम्रता, वो विनम्रता और वो एक जुड़ाव जो है वो रजनीकांत सर से, कमल सर से, कमल हासन सर से, इनसे ये सीख नहीं पाए कभी। विक्रम सर से, जिनकी फिल्म आई थी, बहुत ही अच्छी थी, पैन इंडिया फिल्म थी। मगर कहने का अर्थ यह है कि मुझे महेश बाबू की स्टेटमेंट बहुत बुरी लगी। बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करो आप, फिल्में ख़राब बन रही हैं, और पहले कचरा फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो जाती थी, मैं मानता हूँ, मगर साउथ भी इससे छूता नहीं है। हमारे पास जिन फिल्मों का जिक्र आता है वो साउथ की गिनी चुनी फिल्मों का जिक्र आता है, इसलिए हमें क्लीन क्लीन दिखाई देती है, अंदर का कचरा तो दिखाई देता ही नहीं है। क्या साउथ में ये 4-5 फिल्में ही बनती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं हर महीने? फिल्में तो वहाँ कम से कम 200-250 साल की बनती हैं, मगर वो जिक्र किन का होता है? जो ब्लॉकबस्टर होती हैं, जो हिट होती हैं, जो पैन इंडिया पर रिलीज होती है, जो डब में आती हैं, या जिनका ट्रेलर काफ़ी हिट हो जाता है। सरकारू वारी पाटा का अमेरिका में बहुत क्रेज था, इसे कम से कम 700 लोकेशन पर रिलीज किया गया, जो साउथ इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा लोकेशन पर इसको रिलीज किया गया। और महेश बाबू पहले एक्टर हैं जिनकी 2 फिल्मों ने वहाँ पर अमेरिका में ही 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। 8 फिल्में इनकी 100 करोड़ के क्लब में हैं, अकेले साउथ इंडियन एक्टर हैं। एक फिल्म इनकी जो है 260 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जिसका नाम है सारी लेरू नीके वारू।
अब इनको मैं पोकरी फिल्म से जो आज से 10-12 साल पहले आई थी, हिंदी डब में अवेलेबल है, तब से फॉलो कर रहा हूँ इनका, बहुत ज़बरदस्त मैं फ़ैन रहा हूँ इनकी। हिंदी डब फिल्में मैंने कम से कम 15-20 फिल्में देखी हैं, टाइटल के साथ भी देखी हैं, हिंदी डब में भी देखी हैं। बड़े अच्छे कलाकार हैं। इनकी खास बात क्या होती थी फिल्मों की कि स्वैग के अलावा कंटेंट बड़ा भरमार होता था। आप महर्षि देख लीजिए और सारे लेलू निकेवारू देख लीजिए, आप भरत अने नैनू देख लीजिए, या आप देख लीजिए पोकरी देख लीजिए, या उससे पहले भी जो फिल्में आई थी उनमें कंटेंट होता था। और जिन फिल्मों में कंटेंट नहीं होता था दर्शक उसको 0/0 करके नकार देते थे, जैसे स्पाइडर में हुआ, और भी इनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। खुदा कोई नहीं है, अहंकार किसी का नहीं रहता। महेश बाबू जी को इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, कटाक्ष करो, आप क्रिटिसाइज करो बॉलीवुड को, मगर कभी साउथ भी क्रिटिसाइज जिनके निशाने पे रहता था। आज भी साउथ फिल्मों के मेकर्स को गाने फिल्मों में पिरोने नहीं आते, जहां मर्जी उटपटांग तरह से गाने डाल देते हैं, उल्टे सीधे इनके डांस होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि साउथ फिल्मों में कमियां नहीं होती, मगर क्या है कि इस वक्त बॉलीवुड से कंपेयर करें तो साउथ फिल्मों का कंटेंट पब्लिक को पसंद आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है बाहुबली 1 का, बाहुबली द बिगिनिंग, फिर बाहुबली द कंक्लूजन, उसके बाद फिल्म RRR, फिर KGF चैप्टर 2। उसके अलावा जिनमें दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ था, स्वैग था, कंटेंट था, कई फिल्मों में कहानी थी, डायरेक्शन था, VFX थे, गाने थे, हर चीज़ बढ़िया थी, डबिंग अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, वो फिल्में चलेंगी। और जो फिल्में कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी दर्शकों को, अब सरकारी वारी पाटा का जो शो घटे हैं 30%, अपने आप में अचंबा है। ये मुँह पे तमाचा है महेश बाबू के अहंकार पे। अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो महेश बाबू क्या चीज़ है। मैं इनको एज ए फैन लाइक करता रहूँगा सारी ज़िंदगी, मगर कोई स्टेटमेंट जैसे किच्चा सुदीप जी ने दी थी कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 के हिट होने पर, कि अब हिंदी को मातृभाषा की बजाय कन्नड़ को मातृभाषा कहना चाहिए, ये सब स्टेटमेंट इनकी हेट्रेड, इनकी नफरत, इनके अंदर की जमी हुई घृणा को दिखाते हैं, जो कमल हसन साहब के और रजनीकांत सर के टाइम पे कभी भी नहीं होती थी। इन्होंने स्वैग सीखा, इन्होंने कंटेंट डालना फिल्मों में सीखा, सब सीखा, फैन फॉलोइंग बढ़ी, खुदा लोग मानते हैं इनको, मगर ये भी तो अपने आप को सही माने ना। आपका ये कह देना कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, अरे बॉलीवुड की फिल्मों का तो इतिहास आप देखोगे, इनके बजट को आप छू भी नहीं सकते। मैं मानता हूँ बाहुबली 1, बाहुबली 2 और RRR के बजट 400, 450, 500 करोड़ तक पहुँचे, मैं मानता हूँ, मगर उससे पहले आपको याद नहीं शंकर ने फिल्म बनाई थी आई, उसका बजट देखिए। उससे पहले फिल्म बनाई थी जो विक्रम की बहुत चर्चित फिल्म थी अपरिचित, जो हिंदी में आई थी, उसका बजट देखिए। रोबो 2 का बजट देखिए, रोबो 2.10 का, और रोबो का देखिए बजट। तो शंकर जी तो बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं, उन्होंने तो डायरेक्टर होते हुए, इतने वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर होते हुए भी उनकी फिल्म जो रोबो 2.0 आई थी वो इतनी खास नहीं चल पाई थी इतने भारी भरकम बजट के बावजूद। आप एक 450 करोड़ की फिल्म RRR को आप ब्लॉकबस्टर कह दोगे? जो लाइफ टाइम कलेक्शन 1175 करोड़ का कर रही है उसको आप किस आधार पर आप ब्लॉकबस्टर कह देंगे, हिट कह सकते हैं, ब्लॉकबस्टर किस मुंह से कहेंगे? आपने अपनी 60 करोड़ की फीस नहीं ली और आपका बजट सरकारू वारी पाटा का 60 करोड़ है, आपने 120 करोड़ पे 3 दिन में कमा लिया, मगर किस तरह से कमाए आपने? तमाचे की गूंज सुनी आपने? 75 करोड़ पहले दिन वर्ल्ड वाइड, दूसरे दिन 25 करोड़, तीसरे दिन 22 करोड़, संडे के दिन कलेक्शन बढ़ता है कि घटता है? तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही हैं वो बहुत ही फुहरता से बन रही हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को। जैसे हीरोपंती 2 है, अटैक है, बच्चन पांडे है, और अभी जो आई है ये रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार, ये कचरा फिल्म है मैं मानता हूँ। आने वाली फिल्में भी कुछ कचरा आ रही हैं, बाकी बीच में और भी फिल्में आई थी कचरा, और जैसे रनवे 34 थी, ये कनेक्ट नहीं कर पाई, कईयों में कंटेंट थे ही नहीं, फोड़ता और नग्नता के अलावा कुछ था ही नहीं। जैसे हीरोपंती 2 और जयेश भाई जोरदार में नग्नता और फोड़ता के अलावा कुछ था ही नहीं, मगर जिनमें कंटेंट था जर्सी जैसी फिल्म में वो भी कनेक्ट नहीं कर पाई। बासी कड़ी में उबाल था, जर्सी फिल्म जर्सी की ही रिमेक थी, जो नानी सुपरस्टार जो है नेचुरल स्टार उसकी एक्टिंग के मुकाबले शाहिद कपूर कहाँ कनेक्ट कर पाए पब्लिक को। मैं तो महेश बाबू की इस फिल्म को भी कंडम ही करूंगा। मैंने पहले 500 करोड़ का प्रोडक्शन किया था, वो गलत है, मुझे लगता नहीं कि 200 करोड़ भी टच कर पाएगी वर्ल्ड वाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। आपका इस ज्वलंत मुद्दे पे क्या राय है, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने में आपकी क्या क्षमता है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।